तो कभी सोचा था कि मैंने रेस्टोरेंट खोलना है? कोई ख्वाब था, कोई एम्बिशन था कि ये वाला बिजनेस करना है? ये कैसे एकदम? पर बात ये, हाँ बताते, मुझे इतनी दफा जीएमपी पे बुला के खाना पकवाया गया, इतनी दफा पकवाया गया, इतनी दफा पकवाया गया, और इतनी दफा मुझे, हाँ मेरे सुग्रापे की तारीफें हुई जीएमपी पे कि मैंने फाइनली सोचा कि मैं कुकिंग ट्राई कर ही लेती हूँ। हाँ। तो फिर मैंने ये मत कहना ये कुकिंग तुम करती हो क्या रेस्टोरेंट में, ये मत दे रेस्टोरेंट में नहीं, मैंने घर पे कुकिंग लगातार, मैंने मेरी जब ऑब्वियसली महावीर की वजह से जो सिलसिला था उस वक्त, हाँ। मैंने जो ऑफ डेज लिए थे तो मैं जोश में आई और मैंने ना रोज खाना बनाना शुरू किया। अच्छा, नेट से रेसिपीज, ये सीरियस बात हो रही है? सीरियस बात हो रही है। अच्छा, मैंने खाना बनाना शुरू किया इतना ज्यादा, तो उसमें बनाते बनाते ना हम लोग जब सोच रहे थे कि हम लोग मतलब तो मेरे दिमाग में ऐसे प्लान आया कि यार कुछ डाइट फूड का एक ऐसा रेस्टोरेंट होना चाहिए जिसपे सिर्फ डाइट फूड मिले। तो शी इज लाइक कि हाँ हम प्लान कर सकते हैं, दैट्स हाउ प्लानिंग स्टार्टेड। वो करते 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 जब मटेरियलाइज हुआ तो वो चीजें चेंज हो गई, फिर लगा कि नहीं उसकी टारगेट मार्केट कम है और यू नो अगर बहुत सारा पैसा कमाना है तो कुछ ऐसा। क्या नाम है मेरे रेस्टोरेंट का? नाम है बिग प्लेट, जो मेन है दैट इज बिग प्लेट। और बाकी किधर किधर है, कहाँ कहाँ है? वो सब एक ही फूड कोर्ट में है। अच्छा, और वो सब बिग प्लेट हो गए, मिस्टर स्पाइसी, मिस्टर स्पाइसी, शिनवारी और पाक शिनवारी। ये पाकिस्तानी फूड है, चाइनीज फूड है। पाक शिनवारी जो है उसमें क्या मिलता है? पाकिस्तानी फूड, पाकिस्तानी फूड। बिग प्लेट में क्या मिलता है? चाइनीज फूड। और मिस्टर स्पाइसी में फास्ट फूड। कौन सा स्पाइसी? मिस्टर स्पाइसी। मिस्टर स्पाइसी में क्या मिलता है? फास्ट फूड। फास्ट फूड, ये तीन चीजें अलग अलग। वाओ।